नमस्ते। आज हम लोग को क्या तकनीक ले जा रहा हूँ, वो ट्रांसफार्मर का फुल लोड कर कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड भी आप लोग को फुल लोड करना कैलकुलेट कर सकता है, सेकेंडरी साइड भी फुल लोड करना कैलकुलेट कर सकता है। वो कैसे वो कैलकुलेट करना है, वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कैसे कैलकुलेट करना, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कैसे कैलकुलेट करना, ये वीडियो में आपको मैं बोल दूंगा। ठीक है, एंड अवर एक दूसरा क्या है, वही ट्रांसफार्मर हम लोग को केवीए में क्यों हम लोग को मेंशन कर रहा हूँ वो पता हो जाएगा। फिर मोटर क्यों हम लोग को किलो वाल्ट में हम लोग को मेंशन करना चाहिए वो भी आपको ये वीडियो पूरा देखने से आपको पता हो जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे बोल के। फुल लोड करंट ऑफ सिंगल फेस एंड थ्री फेस ट्रांसफार्मर वो कुछ नहीं है। अभी सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में आएगा तो क्या है, पावर इक्वल टू रूट थ्री वी आई, ये जो जनरल फार्मूला, इट इज कॉल्ड अपरेंट पावर। ओके, इट कॉल्ड अपरेंट पावर। सो पी इज इक्वल टू रूट थ्री वी आई, आई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई रूट थ्री बी। ओके, आप तो मान लीजिए ये 2000 केवीए ट्रांसफार्मर है, इसका इसका प्राइमरी वोल्टेज 33 केवी एंड सेकेंडरी वोल्टेज 0.443 केवी। ओके, केवीए, ओके सॉरी नॉट केवीए, केवी किलो वोल्ट। ओके, सो अभी पहले मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, सेकेंडरी साइड का फुल लोड करंट का कैलकुलेट करने के लिए जा रहा हूँ। वो सेकेंडरी साइड मतलब क्या, लो वोल्टेज है, कंपेयर विद दिस, दिस इज अ लो वोल्टेज, दिस इज अ हाई वोल्टेज, राइट। सो आई जस्ट आई इधर में क्यों मैं यस मेंशन किया, वो सेकेंडरी साइड का करंट है ना, इसलिए मैं आई एस बोल के मेंशन किया है। फिर बाकी सब कुछ सेम है, पावर इक्वल टू डिवाइडेड बाय पावर पी डिवाइडेड बाय रूट थ्री वी एस, पावर इक्वल टू 2000 के वी ए रूट थ्री इंटू वी एस, वी एस सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज का 0.443 किलो वोल्ट। अभी ये दोनों मतलब किलो वोल्ट किलो वोल्ट कट हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय रूट थ्री 0.433 एम्पियर बचा रहेगा। ठीक है, ये अभी सिंप्लीफाई करने से आपको क्या पता हो जाएगा, सेकेंडरी करंट का पता हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट पता हो जाएगा। 2000 डिवाइडेड बाई 0.33 के बदले में 1.73, इसका वैल्यू रूट थ्री का वैल्यू 1.732 इंटू मल्टीप्लाई करो 0.749956 आ जाएगा। फिर ये 2000 में डिवाइडेड करो, डिवाइडेड करने से 2666.82, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2666 एम्प्स। मतलब इसका 2000 केवीए के ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट कितना जाएगा, 2666 एम्प्स आ जाएगा। ये तो 100% का फुल लोड करंट है, लेकिन कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी ट्रांसफार्मर को 100% तक आप लोग को लोड नहीं कर सकता है, वो मैक्सिमम 80 to 85%। ठीक है, 80% भी ज़्यादा है, लेकिन 80 to 85% उसका ऊपर तो नहीं लोड करना चाहिए। अगर ऐसा लोड करने से वो उसका लाइफ टाइम, फिर उसका वाइंडिंग, उसका प्रॉब्लम आने का बहुत चांसेस है। इसलिए कोई भी जगह पे कोई ट्रांसफार्मर को 80 to 85% का लोड कर सकता है, 100% का वो नहीं लोड करेगा। ठीक है, अभी प्राइमरी साइड को देखेंगे, ये क्यों बोल के HV बोल के लिखा है, हाई वोल्टेज साइड है, लो वोल्टेज साइड, ट्रांसफार्मर को कोई भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज से भी बोल सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी भी बोल सकता है। ठीक है, करंट इक्वल टू पी डिवाइड बाय रूट थ्री बी पी, पी रिप्रेजेंट प्राइमरी करंट। ओके, सो सेम 2000 केवी 1.732 इंटू 33 केवी, प्राइमरी का 33 केवी, पहले तो मैं बोला ना 33 बार ये ट्रांसफार्मर 33 बार 0.443 बोल के मैं बोल रहा है ना। फिर अभी सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, प्राइमरी करंट 33 और 34 एम्प्स आ जाएगा। ठीक है, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन ऐसे करना है। अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जाएगा तो आप क्या करना है, पावर इक्वल टू वी आई आ जाएगा, इधर में रूट थ्री नहीं आएगा। ठीक है, रूट थ्री नहीं आना चाहिए, पी इक्वल टू वी आई, वी इक्वल टू पी डिवाइड बाई वी। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करने का टाइम आप देखो, अगर आप केवी डालने से इधर में भी केवी में कन्वर्ट करके डालना है, अगर वोल्टेज अभी 400 रहने से आप क्या करना, 0.4 किलो वोल्ट बोल के कैलकुलेट करके एंट्री करो, एंट्री करने से आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसा ही, इसका करंट कैलकुलेट, सिंगल फेज का करंट कैलकुलेट करने के लिए पी डिवाइड बाई बी, यही फॉर्मूला है। ठीक है, आपको अभी पता हो जाएगा कैसे फुल लोड करंट कैलकुलेट करना है बोल के। फिर अभी हम लोग को जाएंगे वही ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवी, कोई भी ट्रांसफार्मर वो लॉसेस, इसमें क्या 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 लॉसेस होगा कोई ट्रांसफार्मर को, ये तो कोर है, ये तो वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग है, प्राइमरी से सेकेंडरी से,
अभी इसमें कॉपर लॉस आ जाएगा, फिर कोर लॉस आ जाएगा, ठीक है। कॉपर लॉस क्या है, कॉपर लॉस डिपेंड्स ऑन द करंट। अभी इसमें आई स्क्वायर आर लॉस बोल के बोलते हैं, ठीक है। करंट कितना मतलब कितना करंट ज्यादा है उसका हिसाब से वो लॉसेस भी ज्यादा रहेगा, ट्रांसफार्मर एज वेल एज द मोटर, ओके। कोर लॉस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड कॉपर लॉस डिपेंड्स ऑन करंट। दोनों वोल्टेज एंड करंट को रिप्रेजेंट पीछे रहता है, मतलब दोनों दो लॉसेस डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट, इसलिए हम लोग को इसको क्या ये केवीयू में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। बोथ लॉसेस वोल्टेज एंड करंट डिपेंड्स ऑन दी लॉसेस कोर लॉस एंड कॉपर लॉस, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन दी पावर फैक्टर 0.5 और 0.9 और 1 व्हाट एवर इट इज नॉट डिपेंड ऑन दी पावर फैक्टर। दैट इज वाई हम लोग को क्या करता हूँ, हम लोग को ये ट्रांसफार्मर को केवीयू को केवीए में मेंशन कर रहा हूँ। अगर इसमें किलोवाट भी मेंशन कर सकते उसका ज्यादा बड़ा रहेगा तो केवीए, उसका बड़ा आएगा तो एमवीए, ठीक है, बस उतना ही है इसमें मेंशन कर सकता है। अभी और एक भी कारण है वो क्यून बोल के हम लोग को केवीए में मेंशन करने का। इधर देखो अब एक सिंपल पावर सिस्टम में बोलता हूँ, ये तो पावर सिस्टम, एक सिंपल पावर सिस्टम, इधर में देखो अल्टरनेट से ट्रांसफार्मर को आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर को लोड को चला जाता है। वो ट्रांसफार्मर आप मान लीजिए 100 केवीए 1 किलोवाट एंड 100 एम्प्स, ठीक है। अभी ये जो लोड है ना, अभी ट्रांसफार्मर अभी केवीए में मेंशन किया, इसलिए ये लोड, ये जो लोड यूज करता है ना, यूजर एंड है ना, उसको पता हो जाए पावर फैक्टर 1 में ये जो ट्रांसफार्मर, मतलब पावर फैक्टर 1 में ये ट्रांसफार्मर का करंट 1000 एम्प्स है, आई मीन 100 एम्प्स है बोल के उसको पता है, ठीक है। ये 1 एम्प्स तक 1 पावर फैक्टर बोलने से ये रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड कोई भी लोड को यूज कर सकता है, लेकिन वो कैलकुलेट करेगा अगर 0.8 0.9 पावर फैक्टर डाल के कितना वाट ऐसा आ गया वही लोग कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन आप किलोवाट नहीं, मतलब केवीए मेंशन नहीं किया, किलोवाट में रिप्रेजेंट किया ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर को 1 किलोवाट एंड 100 एम्प्स एंड 100 केवीए बोल के मेंशन किया, फिर उधर में पता मतलब उसको डाउट हो जाएगा क्या लोड यूज करने का बोल के। आप मान लीजिए अभी 100 किलोवाट बोल के आप मेंशन किया ट्रांसफार्मर को केवी के बदले में, अभी पावर फैक्टर 1 रहेगा तो इसका एम्प्स 100 एम्प्स है, ठीक है। 0.5 पावर फैक्टर में सेम 100 वाट डिलीवर करने के लिए, ठीक है, सेम 100 किलोवाट, सॉरी इट्स नॉट अ वाट इसी किलोवाट, सेम 100 किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए लेने के लिए 200 एम्प्स तक ये तो इससे ड्रा करना चाहिए, मतलब खींचना चाहिए 200 एम्प्स तक ये खींचेगा, फिर 0.25 पावर फैक्टर जाएगा तो 400 एम्प्स खींचेगा ये 100 किलोवाट का देने के लिए, मतलब 100 पावर को देने के लिए 400 एम्प्स तक खींचेगा। ये क्या हो जाता है, देखो ये ट्रांसफार्मर डिजाइन फॉर 100 एम्प्स बट वी आर यूजिंग 200 एम्प्स एंड 400 एम्प्स, सो व्हाट विल हैपन, क्या हो जाता है इसमें वाइंडिंग का खराब हो जाता है, ठीक है। मैं तो बोला ये तो फुल लोड करंट 100% का करंट 100 एम्प्स बोलने से 80-85% तक हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इधर में देखो इधर में डबल ट्रिपल हम लोग यूज कर सकते हैं, वो वाइंडिंग डैमेज हो जाता है। किसलिए बोलने से किलोवाल्ट में मेंशन किया तो यूजर को प्रॉब्लम हो जाएगा, ये किलोवाल्ट मेंशन करने से कैसे वो कैलकुलेट, ये तो वो मान लेगा 400 एम्प्स तक आ जाएगा, ये 200 एम्प्स तक आ जाएगा बोल के, इसलिए वो जो ऐसा कुछ डाउट वो कोई किसी को भी नहीं आना चाहिए ना, इसलिए वो लोग मेंशन करता है ट्रांसफार्मर को केवीए नॉट इन द किलोवाट, ठीक है। आपको पता हो जाए किस लिए मैं बोल रहा हूँ बोल के, ठीक है। फिर वही मोटर रेटेड इन किलोवाट किलोवाट, ठीक है। वो मोटर है ना, मोटर का इनपुट हम लोग को क्या देता हूँ, इलेक्ट्रिकल इनपुट है, इसका आउटपुट जो आएगा जो मैकेनिकल आउटपुट है, ठीक है। ट्रांसफार्मर मतलब मोटर का इनपुट इलेक्ट्रिकल इनपुट है, उसका आउटपुट मैकेनिकल आउटपुट है। वो मैकेनिकल आउटपुट को मेजर करने के लिए हॉर्स पावर हम लोग यूज करता हूँ, एचपी में यूज करता हूँ, फिर एचपी से आप लोग किलोवाट भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अगर किलोवाट आपको मालूम हो जाएगा तो एचपी आप पता हो जाएगा, नहीं तो एचपी मालूम होगा तो किलोवाट में पता हो जाएगा। इसलिए मोटर का कोई भी रिप्रेजेंट करने से, मतलब ये तो मैकेनिकल आउटपुट है ना, मैकेनिकल आउटपुट को हार्स पावर में मेंशन कर रहा है, अगर नहीं तो किलोवाट में मेंशन कर रहा है। अगर केवीए में मेंशन करने से वो कितना मैकेनिकल लोड जो प्रोड्यूस कर रहा है दे रहा है बोल के उसका पता नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मोटर रेटेड इन किलोवाट एंड आल्सो ट्रांसफार्मर आल्सो ऑलवेज रेफरेंस्ड इन केवीए, ठीक है। आपको मैं मानता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद होगा लगता है, आपको कुछ नॉलेज होगा लगता है मेरे को। अगर आपको
अभी भी फिर कुछ डाउट है तो हमारा कमेंट बॉक्स में आपको क्वेरीज क्या बोल के कमेंट करो, सो मैं सॉल्व करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। फिर ये वीडियो आपको पसंद है तो आपको दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो सब्सक्राइब करो, उसका पास में एक बेल बटन होगा वो भी दबा दो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।